वंदे। माता सुंदरी कोट और माता बाला सुंदरी की पुण्य धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी कठवा जनपद से उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर भारत भूषण जी, जिलाध्यक्ष श्री गोपाल महाजन जी, विधानसभा के प्रभारी श्री श्वेत मलिक जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री सुश्री रेखा कुमारी जी, जिला विकास परिषद के उप प्रधान श्री रघुनंदन सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रेमनाथ डोगरा जी, जिला विकास परिषद की सदस्य डॉक्टर श्वेता जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री जनक भारती जी, जिला महासचिव राजेश मेहता जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संत जन, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे कठवा के सभी बहन और भाइयों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भारत भूषण के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आकर के अत्यंत अभिभूत हो, उत्साही हो। बहनों और भाइयों, ये जनपद वही जनपद है जिसने 1952 में कांग्रेस सरकार के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध संविधान में धारा 370 जुड़ने के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोकतांत्रिक विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के द्वारा जो यातना दी गई थी और जिस तरीके से यहां की आवाज को दबाने का कार्य हुआ था, उसका साक्षी कठवा जनपद है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह स्लोगन एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, आज जब वो सपना साकार हुआ है, आर्टिकल 370 सदैव के लिए समाप्त हुआ है, उन स्थितियों में विधानसभा के इस पहले चुनाव में जम्मू कश्मीर वासियों के अपने भाग्य का फैसला करना है। बहनों और भाइयों, चुनाव यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन चुनाव वर्तमान को सुरक्षित रखने
और बेहतर भविष्य के लिए। डबल इंजन की सरकार को आना यहां आवश्यक है। याद करिए, कांग्रेस को 1947 में देश की सत्ता प्राप्त हुई थी, उत्तर प्रदेश की भी सत्ता प्राप्त हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी और देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन उसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सदैव बैरियर बनकर के बाधा पैदा करने का कार्य किया। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार केंद्र में बनी, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर 2017 में सरकार बनी, 2019 में अयोध्या की समस्या का समाधान जो 5 सदी का था उसे समाप्त होने, उस समस्या को समाप्त होने में मात्र 5 साल के अंदर उस समस्या का समाधान हो गया। याद करिए, कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा समाधान का नाम है। ये कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म के नाम पर, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चल करके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और फैसले की नौबत आई, इन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा भी चिंता मत करो, एक वहां पे मच्छर नहीं मरने वाला है। उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। ऐसे ही जब आर्टिकल 370 को समाप्त करने की बात आई थी, तब भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी यही धमकी देती थी कि खून बह जाएगा। बहनों और भाइयों, आज साबित हो चुका है जम्मू कश्मीर 370 को समाप्त करने का समर्थन करता है और विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए जिन लोगों ने 70 वर्षों तक यहां पे भ्रष्टाचार फैलाया, अराजकता फैलाई, गुंडागिरी फैलाई, पलायन करने के लिए मजबूर किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने का कार्य किया था, वे विफल हुए। जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन सफल हुई जब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आज जम्मू कश्मीर राज्य आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन्होंने देश को विभाजन का दंश दिया, इन्होंने पलायन का दंश दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा दिया, इन्होंने आतंकवाद का दंश दिया, इन्होंने भेदभाव का दंश भी आप सभी कठुआवासियों को दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट स्टेट नहीं, टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। आज यहां पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। 2 चरणों के चुनाव है, दुनिया भर के लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जो लोग गलत फहमी पैदा करते थे, आज वहां के लोग भारी संख्या में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो विश्वास है विकास का है, सुरक्षा का है, भ्रष्टाचार पर प्रहार का है, और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं ये डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रेलवे में वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन
आज जम्मू से दिल्ली के बीच में प्रारंभ हो गई है, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं रोपवे, कहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का निर्माण हो रहा है तो कहीं टनल का निर्माण भी हो रहा है। यहां पे आज आईआईटी बन रही है, आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का सपना साकार हो रहा है। हर गरीब के हाथ को कार्य है, हर किसान के खेत को पानी देने की व्यवस्था भी हो रही है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आपके पैसे से कांग्रेस के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग मौज करते थे, मुख्यमंत्री बनते थे जम्मू कश्मीर का, और साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे। 4 महीने जो बचते थे उनमें से 3 महीने दिल्ली में रहते थे, 1 महीने में क्या जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते। जम्मू कश्मीर उनके एजेंडे में कभी नहीं था। यही कारण था गरीब को आवास नहीं मिल पाया, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाई, गरीबों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई। इन्होंने तो दलितों का अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को इन्होंने अपमानित करने का कार्य किया। इन लोगों ने आरक्षण के नियमों की ध्वजियां उड़ा करके उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था कि यहां पे दलितों के लिए, यहां पर पहाड़ियों के लिए, यहां पे गुजरों के लिए, यहां पर बकरवालों के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। यही कांग्रेस एनसी और पीडीपी करती रही। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी अयोध्या में हुआ, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। यह है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विजन। मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और एनसी या फिर पीडीपी जो कहती है कि सत्ता में आए तो कहते हैं कि सत्ता में आए तो 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी 370 को बहाल करने का मतलब जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना। क्या जम्मू कश्मीर की जनता या कठुआ की जनता इसको स्वीकार करेगी? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे? क्या यहां की बहनों की सम्मान के विरुद्ध कोई आचरण किसी राजनीतिक दल को करने देंगे? बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ विकास के साथ जुड़ रही है। आज पूरे भारत के अंदर आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, 4 करोड़ गरीबों के आवास बन गए हैं, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए हैं। सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ मोदी जी ने सबको आज सुरक्षा भी प्रदान की है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की सह पर, अब कोई पाकिस्तान की सह पर भारत के अंदर आतंकवाद की नर्सरी को फैलाने का कार्य करेगा तो उसके लिए दो टुक जवाब भी है कि अगर आतंकवाद फैलाओगे तो न तो ढकने के लिए कफन का कपड़ा मिलेगा और न दफन करने के लिए 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों,
भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ कहती है कि हमें विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं। गंगा आखिर खुश कैसे हो जब तक संगची नाव नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। ये जो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने विभाजन का दंश दिया है, आतंकवाद का दंश दिया है, प्लान का और भेदभाव का दंश दिया था, इससे मुक्ति का एकमात्र एकमात्र उपचार है भाजपा, भाजपा केवल और भाजपा, केवल एकमात्र उपचार है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में, भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो स्थिति वहां उन्होंने पैदा की है उसको देखते हुए, अब तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहते हैं, तो हमें अब पाकिस्तान में नहीं रहना है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ही आया है, और अब तो मोदी जी ने कह दिया है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ नहीं चल सकते। ये पाकिस्तान परस्त आतंक भी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। तीन भागों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का आता पता नहीं लगेगा। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए। और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए, वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए, हमें भी राशन चाहिए, हमें भी आयुष्मान का कार्ड चाहिए, और वह भारत के अंदर ही संभव हो सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहां पर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत भूषण को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भारत भूषण, डॉक्टर भारत भूषण जी को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आशीर्वाद देंगे, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भारत भूषण जी यहां आइए, थोड़ा आशीर्वाद लीजिए जनता जनार्दन से, आपका आशीर्वाद मिलेगा। डॉक्टर भारत भूषण जी को आशीर्वाद मिलेगा ना, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।